हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आई एम आश्चर्य बड़ौनिया एंड टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग योर मैथ्स बुक। इट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ योर क्लास फर्स्ट मैथ बुक। फर्स्ट नंबर पर नंबर्स अप टू 20, सेकंड एडिशन अप टू 20, थर्ड सब्ट्रैक्शन अप टू 20, फोर्थ स्पेस शेप्स एंड पैटर्न्स, फिफ्थ नंबर्स अप टू 100, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 100, सेवेंथ मल्टीप्लिकेशन, एट्थ मीजरमेंट, नाइन्थ टाइम एंड कैलेंडर, टेंथ मनी, इलेवेंथ डाटा हैंडलिंग, फिर आपका फोकस ओलंपियाड। ये इतने कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे क्लास फर्स्ट की मैथ की बुक में। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर्स अप टू 20 तक के नंबर्स। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 20, काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, रिप्रेजेंट नंबर्स अप टू 20 ऑन अबेकस, कंपेयर नंबर्स, अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये ट्यून अप है, ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर फॉर ईच, ये मैंने आपको कल वर्क के लिए दिया था। इसमें आपको जैसे लॉइन लिखा है तो इसमें कितने लॉइन है, 1, तो इधर आपको नंबर लिख देना है लॉइन का 1। फिर आपको दिया है बर्ड्स, फिर बर्ड्स को काउंट करना है, इसी तरह सबको काउंट करके इसमें फिल करना है। फिर है आपका नंबर नेम्स, ये भी आपको वर्क के लिए दिया था कल, काउंट द ऑब्जेक्ट, रीड एंड राइट द नंबर एंड द नंबर नेम, इसमें आपको ऑब्जेक्ट को काउंट करके उसके नंबर लिखना है और नंबर नेम। जैसे ये 1 है तो इधर उन्होंने करके दिया है 1 और इसका नंबर नेम 1 लिख दिया है। फिर आप देख रहे हैं ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 एंड 2, तो इधर 2 लिखना है और इधर 2 स्पेलिंग नंबर नेम। इसी तरह आपको ये पूरा सॉल्व करना था। फिर आपका है पेज नंबर 3, काउंट एंड मैच, आपको इसको जो आपको पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें काउंट करना है और मैच करना है। जैसे ये 1 2 3, तो 3 से इसको इधर मैच किया, फिर इसका नंबर नेम ये। इसी तरह से बाकी पिक्चर्स को काउंट करके उसका डिजिट और फिर उसका नंबर नेम मैच करना है। कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का क्या कंसेप्ट है, अ हॉर्स हैज़ 4 legs, अ हैन हैज़ 2 legs, अ स्नेक हैज़ 9 legs, मतलब एक हॉर्स के 4 पैर होते हैं, हैन के 2 पैर होते हैं, लेकिन स्नेक का कोई भी पैर नहीं होता है। वी कैन से दैट स्नेक हैज़ 9 legs और नथिंग, वी यूज़ 0 टू सो नथिंग, तो हम 0 का यूज़ कब करते हैं, नथिंग यानी जब कुछ भी ना हो, 0 हो, कोई भी डिजिट ना हो, 1 2 या इसमें डिजिट में ना हो, कोई भी चीज़ अवेलेबल ही ना हो, नथिंग हो, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0। राइटिंग प्रैक्टिस, इसमें आपको 0 को राइट करना है, ये डॉट डॉट दिए हुए हैं इनको आपको पेंसिल से मिलाना है, 0 की राइट करना सीखना है, फिर इधर आपको 0 की स्पेलिंग राइट करना है सभी में, ZERO 0 की स्पेलिंग, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने पेज नंबर 2, 3 दिया था आपको। नंबर 10, आज हम आगे पढ़ेंगे नंबर 10। 9 ones and 1 make 10 ones, तो ये जो 9 ones हैं, ये फ्लावर्स आपको कितने दिए हुए हैं, 9, और ये 1, तो 9 और 1 मिला के कितना हो गया, 10, तो 9 ones and 1 one make 10। इसी तरह से 10 ones make 1 10, मतलब 1 1 के आपको 10 कोई चीज़ 1 1 हो, 1 1 चीज़ हो और 10 हो वो गिनती में, तो मिला के वो क्या बनती हैं, 10, अलग अलग कोई चीज़ 10 हो तो मिला के एक 10 बन जाता है। वंस एंड टेंस, नंबर्स 1 to 9 हैव ओनली 1 digit, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनमें केवल 1 digit होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी में 1 digit होता है, सो दे आर कॉल्ड 1 digit नंबर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, 1 digit नंबर्स। वी नीड ओनली 1 place टू राइट देम, हमको उनको लिखने के लिए केवल एक ही प्लेस की ज़रूरत होती है, दिस प्लेस इज कॉल्ड वंस प्लेस, और इस प्लेस को क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। नंबर 10 हैज़ 2 digits,
जो नंबर 10 है, जैसे देखिए ये नंबर 10, तो इसको राइट करने के लिए हमें टू प्लेसेस की ज़रूरत पड़ी, एक ये प्लेस और ये एक प्लेस, टू प्लेसेस की ज़रूरत पड़ी नंबर 10 को राइट करने के लिए। सो इट इज़ कॉल्ड टू डिजिट नंबर। तो जो 10 है वो क्या है, टू डिजिट नंबर है। वी नीड टू प्लेसेस टू राइट इट, हमें टू प्लेसेस की ज़रूरत होती है इसको राइट करने के लिए। द प्लेस ऑन द राइट इज कॉल्ड वंस, जो राइट प्लेस होता है, जैसे ये 10 है और इसका राइट प्लेस कौन सा हुआ, ये, तो ये वंस है, वंस को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और जो इसका लेफ्ट वाला प्लेस है इसको टेंस यानी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ज़ीरो होगा वो वंस होगा और जो वन होगा वो टेंस, इस तरह से। इन द नंबर 10 ज़ीरो इज एट वंस प्लेस, ज़ीरो कहाँ पर है, वंस प्लेस पर, और वन कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर है। नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, 11 से 20 तक नंबर्स आपको लिखना है। देखिए 110 and 11 मेक 11, तो 110 और 11 मिला के कितना हो जाएगा 11, तो 10 और 1 तो 11 हो गया, तो इधर 11 लिख देना है। और ये आपका ELEVEN 11 की स्पेलिंग लिखी है, तो इधर आपको 11 की स्पेलिंग लिख देनी है। इसी तरह से आपको इसमें करना है 110 and 21 मेक 12, तो इस बॉक्स में आपको 12 डिजिट में लिख देना है, नंबर में, न्यूमरल में, और इधर आपको 12 की स्पेलिंग लिख देनी है। इसी तरह से 110 and 31 मेक 13, तो इधर आपको नंबर में लिख देना है, इधर आपको नंबर नेम, तो इस तरह से इसको करना है सभी को। इसी तरह इधर तक आपको 110 and 10 ones, तो आपने देखा कि ये 110 तो है ही और 10 ones, तो 10 ones मिला के कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा, तो ये भी 10 हो गया, तो ये 10 और ये 10, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 20, तो इधर आपको 20 डिजिट में लिखना है नंबर में, इधर आपको 20 की स्पेलिंग लिखनी है, इस तरह से आपको ये करना है। तो 11 10 मिल जाए, अगर 11 के 10 मिल जाए तो क्या बन जाता है, एक 10 बन जाता है, इस तरह से आपको ये करना है। फिर है मैच द फॉलोइंग विथ देयर नेम्स, तो आपको न्यूमरल दिया हुआ है उसको उसके नंबर नेम से मैच करना है, जैसे ये फर्स्ट वाला ए वाला है 12, तो इसको 12 से मैच कर देना है। इसी तरह 15 13 18 20, ये आपको मैच करना है बुक में ही। फिर सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर नेम्स, इन नंबर नेम्स को दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है, जैसे फर्स्ट है 11 दिया हुआ है, मतलब ये किसकी स्पेलिंग है 11, तो आपको कुछ जो लेटर्स हैं वो गिवन है और कुछ मिसिंग है, तो आपको मिसिंग लेटर को वहाँ पे जहाँ पे स्पेस खाली है वहाँ पे लिखना है। तो 11 की स्पेलिंग क्या होती है, ELE, तो इधर क्या आ जाएगा E, फिर ELEVEN, तो इधर E आ जाएगा 11। इसी तरह ये क्या है 14, तो इधर 14 की स्पेलिंग आएगी, तो 14 की क्या होती है FO, तो इधर O आ जाएगा, URT, इधर T आ जाएगा, EEN, इधर N आ जाएगा लास्ट में, तो इस तरह से आपको इसको फिल करना है अपनी बुक में। तो पेज नंबर 5th, 4th, 5th, 6th आपको बुक में फिल करना है, आगे की क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।